हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन नागों की पूजा करने की परंपरा है। सावन भगवान शिव का प्रिय महीना है और भगवान शिव नाग को गले में धारण किए हुए हैं, नागों से अपना श्रृंगार किए हैं। इसलिए भगवान शिव सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा की जाती है और सावन में इस पर इस त्यौहार का महत्व यानी कि नाग पंचमी का महत्व कई गुना अधिक बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि सावन मास की नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और इस साल नाग पंचमी पर विशेष संयोग बन रहा है, जिस कारण यह पंचमी तिथि मनोकामना प्राप्ति के लिए बहुत खास होगी। आज हम जानेंगे साल 2020 के सावन की नाग पंचमी का शुभ योग, शुभ तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और नाग पंचमी की कथा। साथ में जानेंगे इस दिन किए जाने वाले कुछ चमत्कारिक उपाय के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल को अपना प्यार देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में देवी देवताओं के समान और उनके प्रतीक और उनके वाहनों को भी पूजा जाता है, उनकी वाहनों की भी पूजा अर्चना की जाती है। इसको भी एक परंपरा की भांति निभाया जाता है। देवी देवताओं के ये प्रतीक और वाहन भी प्रकृति के अभिन्न हिस्सा है। इसमें जानवर, पक्षी, सरीसृप, फूल और वृक्ष भी शामिल हैं। नाग पंचमी भी इसी तरह का एक त्यौहार है जो हर साल मनाया जाता है। इस दिन मुख्य रूप से सांप या फिर नाग देवता की पूजा अर्चना की जाती है। नाग पंचमी के मौके पर लोग व्रत भी रखते हैं, दिन भर व्रत रखते हैं और सांपों की पूजा करते हैं और उन्हें दूध भी पिलाते हैं। नाग पंचमी का जो व्रत है वो बेहद फलदायी और शुभ माना जाता है। नाग पंचमी का त्यौहार श्रावण या फिर सावन मास के शुक्ल पक्ष की जो पंचमी तिथि होती है उस दिन मनाया जाता है। और इस साल नाग पंचमी का त्यौहार 25 जुलाई 2020 को मनाया जा रहा है, 24 को भी है। इस साल नाग पंचमी शनिवार को मनाई जाएगी। अब जानते हैं नाग पंचमी की तिथि और शुभ मुहूर्त। दोस्तों, नाग पंचमी की तिथि है 24 जुलाई 2020 और 24 जुलाई दोपहर 2:34 से नाग पंचमी शुरू होगी और 25 जुलाई दोपहर 12:02 पर नाग पंचमी समाप्त होगी। नाग पंचमी की पूजा का मुहूर्त है 25 जुलाई 2020 को सुबह 5:39 से सुबह के 8:22 तक। अब जानते हैं नाग पंचमी का महत्व। दोस्तों, नाग को देवता का रूप माना जाता है और उनकी पूजा का विधान है। दरअसल नाग को आदि देव भगवान शिव शंकर के गले का हार और सृष्टि के पालनकर्ता श्री हरि विष्णु की शैया माना जाता है। इसके अलावा नागों को लोगों के जीवन से भी मतलब नागों का लोगों के जीवन से भी नाता है। सावन के महीने में हमेशा जमकर बारिश होती है ना, और इसी वजह से जो नाग देवता हैं वो ज़मीन से निकलकर बाहर आ जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि नाग देवता को दूध पिलाया जाए और उनकी पूजा की जाए तो वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, और यही नहीं कुंडली दोष भी दूर करने के लिए नाग पंचमी का बहुत अधिक महत्व है। यानी कि नाग पंचमी के दिन अगर आप विधि पूर्वक नाग पंचमी की पूजा करते हैं तो कुंडली से
ये दोष दूर हो जाते हैं। अगर आपकी कुंडली में या किसी की भी कुंडली में अगर काल सर्प दोष होता है तो उसे अवश्य ही नागपंचमी का व्रत भी रखना चाहिए, कथा भी सुननी चाहिए और नागपंचमी की पूजा भी करनी चाहिए। अब जानते हैं नागपंचमी की पूजा विधि। सुबह स्नान करने के बाद घर के दरवाजे पर पूजा के स्थान पर गोबर से, गाय के गोबर से नाग बनाएं। मन में व्रत का संकल्प लें, फिर नाग देवता का आवाहन कर उन्हें बैठने के लिए आसन दें। इसके बाद जल, पुष्प और चंदन का अर्घ्य दें और फिर दूध, दही, घी, शहद और चीनी का पंचामृत बनाकर नाग की प्रतिमा को स्नान कराएं। इसके बाद प्रतिमा पर चंदन, गंध से युक्त जल चढ़ाना चाहिए। फिर लड्डू और मालपुए का भोग लगाएं। उसके बाद सौभाग्य सूत्र, चंदन, हरिद्रा, चूर्ण, कुमकुम, सिंदूर, बेलपत्र, आभूषण, पुष्पमाला, सौभाग्य द्रव्य, धूप दीप, ऋतुफल और पान का पत्ता चढ़ाने के बाद आरती करें। माना जाता है कि नाग देवता को सुगंध बहुत प्रिय है। इस दिन नागदेव की पूजा सुगंधित पुष्प और चंदन से करनी चाहिए। नागपंचमी की पूजा का मंत्र इस प्रकार से है। मंत्र ध्यान से सुनिएगा। ओम कुरुकुल्ये होम फट स्वाहा। ये मंत्र है, इस मंत्र का जाप भी कीजिएगा और शाम के समय नाग देवता की फ़ोटो या प्रतिमा की पूजा करके व्रत खोल सकते हैं और आज के दिन फलाहार ग्रहण करना चाहिए। आइए अब सुनते हैं नागपंचमी की कथा। लोक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण के मामा उन्हें मारने के लिए कालिया नाम का एक नाग भेजा था। एक दिन जब कृष्ण अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे तो उनकी बॉल नदी में गिर गई थी। जब वे उसे लाने के लिए नदी में उतरे थे तो कालिया ने उसे मतलब भगवान को पकड़ लिया था, उन पर आक्रमण कर दिया था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के आगे नाग की एक न चली। उसने भगवान श्री कृष्ण से माफ़ी मांगते हुए वचन दिया कि वो गांव वालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा और हमेशा हमेशा के लिए वहां से चला जाएगा। कालिया नाग पर श्री कृष्ण की विजय को भी नागपंचमी के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, नागपंचमी से जुड़ी एक पौराणिक कथा और भी है कि प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। 7ों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र और विदुषी और बहुत ही सुंदर थी, परंतु उसके पास यानी कि उसके कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने के लिए उसको पीली मिट्टी लाने के लिए कहा। सभी बहुओं को साथ चलने को कहा तो सभी दलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहाँ एक सर्प निकला जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। तो यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, इसे मत मारो, ये बेचारा निरपराध है। तो यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक तरफ जाके बैठ गया। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आती हैं, तुम यहाँ से नहीं जाना, यहाँ से कहीं नहीं जाना। यह कहकर वह सब के साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ कामकाज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था वो भूल गई। दूसरे दिन उसे ये बात याद आई तो सबको साथ लेकर वह वहाँ उसी जगह पहुँची और सर्प को उसी स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने वाले को मैं माफ़ नहीं करता, यानी कि झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी मैं क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो भी मांगना हो मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ
जो तो मेरा भाई बन गया। कुछ दिन व्यतीत होने के बाद वह सर्प मनुष्य का रूप रख कर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सब ने कहा कि इसके तो कोई भाई नहीं था, तो वह बोला मैं दूर के रिश्ते में उसका भाई लगता हूँ, इस मतलब दूर के रिश्ते में उसका भाई हूँ। बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं और जहाँ चलने में अगर मुश्किल हो, कठिनाई हो, वहाँ मेरी पूँछ पकड़ लेना। उसने कहे अनुसार, उनके मतलब नाग देवता के कहे अनुसार ही उसने वैसे ही किया और वह इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्यों को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तो अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे ये बात ध्यान न रही और उससे क्या हुआ कि उसने गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुख बेतरह जल गया था। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर वह शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, आभूषण दे करके उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर उसकी जो और भी साथ की जो थी बहुएं थी, बड़ी बहुएं, वो उससे ईर्ष्या करने लगी। कहने लगी, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने ये वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की ही होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ जी की जो छोटी बहू है उसका मुझे हार चाहिए, सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वह उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के मारे छोटी बहू से हार मंगा कर दे दिया। छोटी बहू को ये बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने भाई यानी अपने सर्प भाई को याद किया और आने के लिए प्रार्थना की कि भैया, रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे, जब तक वो हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए, और जब वह मुझे लौटा दे तब वो हीरे मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास जाकर खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा न जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन धृष्टता क्षमा कीजिए, ये हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरे मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हुआ हार उसे देकर कहा कि अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उस हार को पहना वह हीरे मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी दी, पुरस्कार भी दिया। छोटी वह हार और इनसे सारी मुद्राओं के साथ, पुरस्कार के साथ घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास
कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता कि यह धन तुझे कौन देता है। तब वह सर्प को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा कि यदि मेरी बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं तुझे खा लूँगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा आदर सत्कार किया। उसी दिन से नागपंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये नागपंचमी की कथा पसंद आई होगी। आइए अब जानते हैं नागपंचमी के दिन किए जाने वाले कुछ खास उपाय के बारे में। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार नागपंचमी की तिथि को नाग देवता की पूजा करने से बहुत ही विशेष फल प्राप्त होते हैं। इस बार नागपंचमी के दिन मंगल वृश्चिक लग्न में होंगे और इसी दिन कलिक जयंती भी है, स्कंद प्राप्ति भी है और मतलब स्कंद षष्ठी भी है, और साथ ही नागपंचमी के दिन विनायक चतुर्थी का व्रत का पारण भी किया जाएगा। नागपंचमी के दिन उत्तर फागुनी और हस्त नक्षत्र होने की वजह से चंद्रमा की जो स्थिति है वो कन्या राशि के में होगी। और आज के दिन बहुत सी मतलब खास परि और शिव नामक योग होने की वजह से नाग पूजन के लिए यह दिन बहुत ही खास माना जाता है, क्योंकि नागपंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करने से नाग देवता का तो आशीर्वाद मिलता ही है, साथ में भोलेनाथ का भी आशीर्वाद मिलता है। और इस दिन नागपंचमी के दिन बनने वाले इस अद्भुत योग में यदि आप धन समृद्धि पाने के लिए नाग देवता की पूजा के साथ साथ व्रत के साथ साथ कोई विशेष कार्य करते हैं तो आपकी सभी इच्छाएं महादेव अवश्य पूरी करते हैं। तो आइए जानते हैं इस दिन किए जाने वाले वे कार्य कौन से हैं। शास्त्रों के अनुसार नाग नागिन महादेव के सेवक माने जाते हैं। आज के दिन यदि आप नाग नागिन की पूजा करते हैं तो आपको महादेव और माता पार्वती का विशेष कृपा प्राप्त होती है, विशेष अनुकंपा प्राप्त होती है। नागपंचमी पर बन रहे शुभ योग में आपको महादेव की विधि विधान पूर्वक रुद्राभिषेक सच्ची श्रद्धा और भक्ति से करना चाहिए। इसके बाद मिट्टी से नाग नागिन की आकृति बनाकर उन्हें दूध अर्पित करना चाहिए। इससे आपकी समस्त बाधाएं दूर होती हैं और अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो वो भी दूर होता है, सभी परेशानियां दूर होने लगती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और इस तरह से महादेव की भी कृपा हम पर बरसने लगती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। लाइक के बटन को दबाएंगे तो वो नीला हो जाएगा और आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है और आपका लाइक हमारे लिए बहुत मायने भी रखता है। इसलिए दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, आगे बढ़ा के शेयर कर सकते हैं ताकि इस जानकारी से किसी और को भी लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें। हर हर महादेव। जय नाग देवता की।